आज हम एक टीएसडी के ऊपर बेस्ड डीआई करने वाले हैं, जिसमें कि बच्चे न जाने क्यों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। टीएसडी देखते ही उनकी आत्मा कांप उठती है कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला। तो हमने एक बहुत ही अच्छा सेट लिया है जो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक देखना कि टीएसडी का क्वेश्चन आया तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दम, ठीक है? अब क्वेश्चन पहले, सबसे पहले देखो, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन है, इधर टाइम टेकन गिवन है, ठीक है? अभी डिस्टेंस ट्रेवल 20%, 25%, 10%, 20%, 15%, 10%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई आदमी, मान लो वो ए से बी तक गया है, ठीक है? ए से बी तक गया है, तो ए से बी तक का 10% जो है लैंड रोवर से गया है, ठीक है? देखो यहाँ गिवन है 10% लैंड रोवर, फिर 15% फॉक्स वैगन से गया है, फिर 20% लैम्बोर्गिनी से गया है, देखो यहाँ गिवन है, फिर 10% पोर्शे से गया है, फिर 25% रोल्स रॉयस से गया है। ये कितना अमीर बंदा है, देख लो, एक जर्नी में इसने इतनी गाड़ियां यूज कर ली। फिर ये 20% मर्सरीज से गया है। तो ऐसे करके टोटल डिस्टेंस का इतना इतना परसेंट गिवन है, मतलब कि दीज परसेंटेजेस आर ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है? तो यहाँ बेस क्या होगा? बेस क्या होता है? जिसका परसेंटेज होता है, ठीक है? जैसे स्कूल में अगर मेरे मार्क्स हैं 500 में से 300, तो 300 इज 60% ऑफ 500, तो 500 क्या है? टोटल है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कुछ होगा, वो हमें पता नहीं है, वो क्वेश्चन में हो सकता है गिवन हो, तो उसके परसेंटेज वाइज हमें डेटा गिवन है, ठीक है? उसी तरह ये क्या है? टाइम का परसेंटेज है। मान लो टोटल टाइम इसको जाने में कितना लगा होगा, मान लो 10 घंटे लगे हैं, ठीक है? कि यहाँ से ए से बी जाने में इसको 10 आवर्स लगे हैं, तो 10 आवर्स का 17% वो लैंड रोवर में बैठा था, 10 आवर्स का 13% वो फॉक्स वैगन में बैठा था, 10 आवर्स का 15% वो लैम्बोर्गिनी में बैठा था, ठीक है? 25% टाइम वो पोर्शे में बैठा था। ऐसे करके डेटा हमें गिवन है, ठीक है? इसमें प्रोसीड कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोल्स रॉयस एंड फॉक्स वैगन इज 160 किलोमीटर, ठीक है? यहाँ पे क्या गिवन है? ध्यान से पढ़ो, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एक सेकेंड। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रोल्स रॉयस, मतलब डिस्टेंस की बात करें तो हम पहला वाला पाई चार्ट देखेंगे। इसमें रोल्स रॉयस देखो 25%, ठीक है? और फॉक्स वैगन कितना है? 15%। तो इनका जो डिफरेंस है ना डिस्टेंस का, वो 160 किलोमीटर है। तो सपोज करो कि टोटल डिस्टेंस वो 100x, 100x हम क्यों लेते हैं? ताकि फ्रैक्शन वाली वैल्यू, मतलब डेसिमल में वैल्यूज ना है मेरी। अगर मैं एक्स लूंगा तो फॉक्स वैगन में 0.15x होगा, अगर 100x लूंगा तो 15x होगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहता है। तो मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है ना दैट इज इक्वल टू 100x, तो फॉक्स वैगन का कितना डिस्टेंस होगा? 15% ऑफ 100x, दैट इज 15x, क्लियर है? रॉल्स रॉयस का कितना होगा? 25x होगा, ये भी क्लियर है, ठीक है? 25% ऑफ टोटल, तो इनका डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 25 माइनस 15। इसमें कोई डरने की बात है क्या? सिंपल, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है सारा डेटा गिवन होता है सॉल्व करने के लिए। तुम लोग टीएसडी देख के ही डर जाते हो, इसलिए क्वेश्चन छोड़ देते हो। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 16, एक्स की वैल्यू 16 हो गया। कैसे होगा? ये बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, 0 0 कैंसिल करना है, ठीक है? तो ये 16 आ जाएगा, तो x 16 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना था? 100x, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरा? 1600 किलोमीटर्स, ठीक है? क्लियर होगा ये? x की वैल्यू है, टोटल डिस्टेंस इज 1600 किलोमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस इज 80 किलोमीटर पर आवर, अभी मुझे स्पीड दे रखा है। अब देखो टीएसडी में हमें बस एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? क्वेश्चन को छोड़ना मत, आराम से पेशेंस से देखते रहो, अपने आप समझ आ जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना हमने बना रखा है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे रोल्स रॉयस का स्पीड दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। एक बार हम देखते हैं रोल्स रॉयस, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो बाकी हमने लिख रखा है ये हम मिटा रहे हैं, ये हमने यूज कर लिया, टोटल डिस्टेंस 1600 आ गया है। अब मैं यहाँ पे रोल्स रॉयस का डिस्टेंस, अच्छा रोल्स रॉयस का स्पीड दे रखा है, क्यों दे रखा है? किसी मकसद से दे रखा होगा, ठीक है? वो देखते हैं क्या है। स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस, मतलब स्पीड, मतलब मैं वी लेता हूँ वेलोसिटी, तुम स्पीड भी ले सकते हो, चलो मैं स्पीड ले लेता हूँ ऐसा।
स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस कितना देर क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय रोल्स रॉयस अपॉन टाइम टेकन इन रोल्स रॉयस, सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये स्पीड की वैल्यू 80 दे रखी है, ठीक है, डिस्टेंस रोल्स रॉयस का हम निकाल सकते हैं। देखो रोल्स रॉयस कहाँ पे है, यहाँ पे 25%, 25% ऑफ ये 1600 हमने निकाला था अभी, तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा डिस्टेंस, और टाइम इससे हमारा निकल जाएगा रोल्स रॉयस का, कितना टाइम आएगा रोल्स रॉयस का, 5 आवर्स, ठीक है, 400/80 करेंगे तो रोल्स रॉयस का टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स, मतलब दिस इज इक्वल टू 5 आवर्स। अब वापस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, रोल्स रॉयस का जो टाइम है ना टोटल का 20% है, तो टोटल का 20% मतलब टोटल का 20% इज 1/5, फ्रैक्शन की वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, तो टोटल का 1/5 टाइम है 5 आवर, मतलब टोटल टाइम यहाँ कितना लगा होगा, 25 आवर, क्लियर है, टोटल का 20% वॉज 5 आवर्स, तो टोटल वुड बी 25 आवर्स, ठीक है। अब हम हमें पूछा है स्पीड ऑफ मर्सरीज, तो मर्सरीज की स्पीड के लिए हमें क्या करना होगा, मर्सरीज की स्पीड के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ मर्सरीज निकालना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसका भी यूज हो चुका है, ठीक है, तो मर्सरीज का स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ मर्सरीज इज इक्वल टू, सिंपल है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मर्सरीज अपॉन टाइम ट्रेवल्ड इन मर्सरीज, तो मर्सरीज का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं 20%, 20% ऑफ व्हाट, ऑफ 1600, तो दिस विल बी इक्वल टू 320 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद टोटल टाइम कितना लेगा मर्सरीज में, देखो 10%, 10% ऑफ टोटल टाइम 25 आवर्स, तो 10% ऑफ 25, तो 25 का 10% होता है 2.5, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कैसे करते हैं, ये भी एक ट्रिक है, देखो 2.5 को अगर मैं 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, और ऊपर भी मैं अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये देखो ये 10 बन जाता है, ठीक है, तो 10 बन गया, 10 और 0 0 कैंसिल हो गया, और 32 फोर्स क्या हो जाएगा, 128, समझ आ गया, 128 हमारा आंसर आ गया, ये क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिफिकल्ट नहीं था ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, हमें एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन था क्वेश्चन में, उसको उसको यूज करके मैंने टोटल डिस्टेंस निकाला था 1600, इस क्वेश्चन में मुझे वैल्यू गिवन है 1800, मतलब यहाँ डिस्टेंस क्या है, 1800 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि टाइम टेकन बाय वॉक्स वैगन इज 2 आवर्स लेस देन टोटल टाइम टेकन बाय लैंड रोवर, तो लैंड रोवर का टाइम मान लो 17 17x, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स क्या लिया मैंने, टोटल टाइम लिया है, ठीक है, तो टोटल टाइम मैंने 100x ले लिया है, ठीक है, 100x इसलिए लेते हैं ताकि डेसिमल मेरा अवॉइड हो जाए, ठीक है, फॉक्स वैगन का टाइम कितना होगा, 13x, ठीक है, इनका डिफरेंस दे रखा है 2 आवर्स, मतलब 17x माइनस 13x इज इक्वल टू 2 आवर्स, यहाँ से देखो 4x की वैल्यू क्या आ जाती है, 4x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आएगी, और फिर टोटल टाइम मेरा कितना आ जाएगा, x को हाफ पुट करेंगे तो 50 आवर्स, मतलब टोटल जर्नी 50 आवर्स की थी, ठीक है, समझ आ रहा है, तो अगर टोटल जर्नी 50 आवर्स की है तो लैंड रोवर की जर्नी कितने की होगी, लैंड रोवर की जर्नी कितने की होगी, 50 का 17%, 50 का 17% कितना होता है, 8.5 आवर्स, ठीक है, 8.5 आवर्स, और फॉक्स वैगन की जर्नी कितने देर की होगी, 50 का 13%, दैट इज 6.5 आवर्स, ये क्लियर है, दोनों का टाइम मैंने अलग अलग निकाल लिया, दोनों का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं, अच्छा हम डिस्टेंस और टाइम दोनों की निकाल रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड्स कंपेयर करना है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, हमें स्पीड ऑफ मर्सरीज को कंपेयर करना है स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस से, ठीक है, समझ आ रहा है, तो चलो एक काम हम करते हैं, मर्सरीज को हमें रोल्स रॉयस से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमें टाइम किसका लेना था, मर्सरीज का लेना है और रोल्स रॉयस का लेना है, ठीक है, तो मर्सिडीज का टाइम कितना होगा, टोटल टाइम 50 आवर्स का 10%, 5 आवर्स, और इसका 20% है तो 10 आवर्स आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, मर्सिडीज का डिस्टेंस कितना होगा, 20% ऑफ 1800, ये कितना आ जाएगा, 1/5, तो 360 किलोमीटर आ जाएगा, और उसी तरह रोल्स रॉयस का कितना आ जाएगा, 1800 का 25% होता है 450, ठीक है ना,
1/4 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो 450 आ गया। ठीक है, तो यहां से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ दोनों का। रोल्स रॉयस का स्पीड कितना होगा, रोल्स रॉयस का स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ रोल्स रॉयस दैट इज 450 अपॉन टाइम टेकन बाय रोल्स रॉयस दैट इज 10 आवर्स। तो ये तो आ गया मेरा 45। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया रोल्स रॉयस का स्पीड। ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या, कुछ है ही नहीं इसमें, इतना डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, बस बच्चे डर जाते हैं देख के न जाने क्यों। उसी तरह मैं इसका देखता हूँ, मर्सिडीज का डिस्टेंस 360 है और टाइम टेकन कितना है मर्सिडीज का, 5 आवर्स। देखो निकाला है ना यहाँ पे ये, तो ये आ जाता है 72। तो हमें ये तो दिख रहा है कि मर्सिडीज का जो टाइम टेकन है ना, सॉरी स्पीड है ना, वो रोल्स रॉयस की स्पीड से ज्यादा है, रोल्स रॉयस का 45 है। तो लेस वाले ऑप्शन तो ऐसे गायब हो गए। ठीक है, अब मुझे पूछा है कि मर्सिडीज का कितना ज्यादा है रोल्स रॉयस से, तो मर्सिडीज का कितना ज्यादा है रोल्स रॉयस से, ठीक है 27 ज्यादा है। ठीक है, 72 माइनस 45, डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने लेस देन मोर देन रोल्स रॉयस किया, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 45 आएगा। तो ये हो गया चेंज मतलब इंटू 100, मतलब कितना ज्यादा कितना कम है। इसको सॉल्व करोगे ना तो 9 से कट जाएगा ये, 9 से 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स कटेगा, 20 इंटू 3 क्या होता है 60, तो 60% ज्यादा आ जाएगा। क्लियर है, कुछ नहीं था इसमें, बस जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते रहो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी इज 80 किलोमीटर पर आवर, अब देखो इसमें मुझे क्या गिवन है, लैम्बोर्गिनी की स्पीड गिवन है, लैम्बोर्गिनी की स्पीड क्या होगी, अच्छा टोटल डिस्टेंस भी गिवन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 1600 किलोमीटर, जो लास्ट क्वेश्चन में 1800 था ना, अब यहाँ पे 1600 है। तो लैम्बोर्गिनी का डिस्टेंस कितना होगा, 1600 का 20%, 16 2 32, 320 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो लैम्बोर्गिनी की स्पीड गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा लैम्बोर्गिनी की स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये 6th 7th 8th में फॉर्मूले पड़े थे ये सब, तो 320 अपॉन 80 करोगे तो 4 आवर्स आ जाएगा। ये 4 आवर्स किसका टाइम है, लैम्बोर्गिनी का, मतलब ये जो वैल्यू है ना, दिस इज 4, समझ आ रहा है। तो टोटल टाइम का 15%, 15% ऑफ टोटल टाइम इज 4, समझ आ रहा है। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें निकालना क्या, पहले देख लेते हैं, हमें निकालना है स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस। ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम निकालने की अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल टाइम वेस्ट होगा, अभी हमें स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस निकालना है। तो स्पीड ऑफ रोल्स रॉयस के लिए मुझे टाइम ऑफ रोल्स रॉयस चाहिए, तो मुझे निकालना है टाइम का 20%। ठीक है, समझ आ रहा है ये कितना होगा, ये मुझे निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को LHS RHS को अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो अब क्या होगा, अब देखो T और T कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 15 अपॉन 20 होता है 3/4। ठीक है, 3/4 इज इक्वल टू 4/ जो भी टाइम है रोल्स रॉयस का, वो निकल जाएगा, वो कितना आएगा 16/3, मतलब रोल्स रॉयस का टाइम कितना हुआ है 16/3 आवर्स। अब जो बच्चा टाइम अलग से निकालेगा फिर उसका 20% निकालेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, तो मैंने क्या किया डिवाइड कर लिया। ठीक है, 16/3 आ गया टाइम। अब मुझे स्पीड निकालना है रोल्स रॉयस का, रोल्स रॉयस का डिस्टेंस कितना होगा 25% ऑफ 1600, वो कितना होता है 400 होता है। ठीक है, 1/4, तो 400 इसका डिस्टेंस है, इसका टाइम है 16/3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 से कट जाता है 16, 25 टाइम्स करता है और ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 3 75। क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इजी सेट अच्छा है, मतलब इजी नहीं है, अच्छा सेट है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मुझे क्या गिवन है, इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल कार्स इज 2000, तो जो लास्ट क्वेश्चन में 1600 था अब 2000 दे रखा है। ठीक है, व्हाइल पोर्शे ट्रेवल 3/5 ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 एंड रिमेनिंग एट द स्पीड ऑफ 20, देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय पोर्श। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक के लिए, पोर्श का डिस्टेंस कितना है, पोर्श का डिस्टेंस, अब पोर्श का प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, मैं कभी बैठा नहीं इसमें, तो 2000 का 10% क्या होता है 200 किलोमीटर। ठीक है, सिंपल है, मतलब पोर्श का टोटल डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर है, 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, मतलब पोर्श ने 200, पोर्श से वो 200 किलोमीटर चला है, तो 3/5 जो है, 3/5 कितना होता है इसका, इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120,
120, और रिमेनिंग क्या होगा 80। ठीक है, 120 वो किस स्पीड से गया है, 60 की स्पीड से गया है, तो 120 पे कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा, सिंपल है, सिंपल है। और 80 कवर करने में, 80 उसने रिमेनिंग कितने से कवर किया, 20 की स्पीड से किया है, तो 20 की स्पीड से अगर 80 कवर करेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 2 + 4 6 घंटे हो गए। अब यहाँ यूनिट गलत दे रखा है, किलोमीटर पर आवर, आवर होगा, ठीक है, ठीक है ना, टाइम पूछा है हमसे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये सबसे सिंपल था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसमें क्या दे रखा है हमें, इफ द टोटल टाइम टेकन बाय ऑल कार्स। अब इस क्वेश्चन में हर पीछे क्वेश्चंस में टोटल डिस्टेंस गिवन था, इसमें टोटल टाइम गिवन है 40 आवर्स, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लैम्बोर्गिनी एंड रोल्स रॉयस इज 5, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फॉक्स वगैरह, करें सॉल्व। देखो ये डिस्टेंस, अब देखो जहां पे हमें ये गिवन था, हमने उधर टाइम को टी माना था, अभी मुझे टाइम गिवन है तो डिस्टेंस मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 100x। तो एक चीज मुझे बताओ, डिफरेंस ऑफ स्पीड किसका गिवन है, लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस का। लैम्बोर्गिनी का डिस्टेंस कितना होगा, 20x होगा, 20% ऑफ 100x, ठीक है। रोल्स रॉयस का डिस्टेंस कितना होगा, 25x होगा, ठीक है। तो इनका इसका स्पीड कितना होगा, रोल्स रॉयस का स्पीड होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय रोल्स रॉयस, ठीक है, अपॉन अपॉन टाइम टेकन बाय रोल्स रॉयस। अब रोल्स रॉयस का टाइम कितना है, 20% है, किसका 20%, 40 का, तो दिस इज 8 आवर्स, ठीक है। और लैम्बोर्गिनी का टाइम 15% ऑफ 40, दैट इज 6 आवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोल्स रॉयस के डिस्टेंस के साथ रोल्स रॉयस का टाइम डालेंगे तो इसका स्पीड आ जाएगा ये, और उसका स्पीड आ जाएगा 20x, उसका डिस्टेंस है और उसका टाइम है 6, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है वो 5 है। अब इसमें मुझे बड़ा कौन है छोटा कौन है मुझे पता नहीं है, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ। मैं ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ये 8, इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये 3 पॉइंट ज्यादा, ये बड़ा है, ठीक है, तो इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, तुम सब्ट्रैक्ट करके देख लो, जो भी अगर नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव कर लेना, क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, ये नहीं बता रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, तो पॉजिटिव डिफरेंस लेना है हमें। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका डिनोमिनेटर होता है 8 और 6 का, एलसीएम कितना होता है डिनोमिनेटर का, 24, 24 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 बनेगा, माइनस है तो -75, प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 80, ठीक है। तो दिस विल बी 5x, 80 - 75, 5x/24=5, तो 5 5 कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 24, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है। तुमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फॉक्स वैगन, फॉक्स वैगन का डिस्टेंस है 15% ऑफ 2400, तो 15% ऑफ 2400 क्या होगा, 15/100। अब देखो 15/100 सजा के लिखने की हमें जरूरत नहीं है, बोर्ड में कोई मुझे यहाँ स्टेप मार्क नहीं मिल रहा, मुझे मुझे ना मन में दिख जाना चाहिए कि हाँ 15% है तो ये 100 का 0 और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, 15 × 20 = 300 एंड 15 × 4 = 60, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 360, समझ आ गया। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट में कर देना, मैं उनको व्हाट्सएप पे वापस समझा दूंगा, वैसे समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट सेट नहीं था, लॉजिकल सेट था और क्लैट में आने लायक सेट है, ठीक है, चलो।